के लिए बेटर करेंगे। और आपने पर्सनली मुझे आग्रह किया है, मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया था 3 दिन पहले, और उसके मुताबिक हाउस है और एक परंपरा है, सबके लिए बैठक करते हैं, बैठक में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। और इसके अलावा जो एजेंडा होगा उस पर डिस्कशन होगा, मुझे मालूम है क्या किस प्रकार से क्या एजेंडा आइटम्स रहेंगी पर्टिकुलरली। प्रमुख विषय तो आपदा है हिमाचल प्रदेश में, उस आपदा पर तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे, और आपदा के साथ साथ में 9 महीने का सरकार का कार्यकाल में जो हुआ है 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद हुए हैं, और उसके अलावा ये क्रम अभी तक भी 9 महीने बीतने के बाद भी अभी तक बंद नहीं हुआ है, अभी तक भी बदस्तूर चला हुआ है। और दूसरी बात, कुछ गारंटियों के जिक्र किए थे जिनको ये भूल गए, उनको याद पाएंगे, और लोग अब उनको चौक चौराहे पर भी पूछ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त और भी मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था जैसी स्थिति है, मुख्यमंत्री के गृह जिला में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं उस पर भी बहुत चर्चा करेंगे, और महिला के बाल काटना, मुंह काला करना, घुमाना, ये सारी चीज़ें, और हत्याएँ बड़ी संख्या में हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बागबानों और किसानों का जो नुकसान हुआ इस बार बारिश के कारण, उस पर भी बातचीत करेंगे, जो खासतौर से सेब की फसल का नुकसान हुआ है, मार्केट तक पहुंचाने में कठिनाई जिसमें रही। इसके अतिरिक्त हम इस बात पर भी बात करेंगे कि जो आपदा के कारण लोगों का घर चला गया है, बेघर हो गए, ऐसे लोगों के लिए उनको फिर से घर देने का, उनको स्थापित करने का क्या इंतज़ाम सरकार ने सोचा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। और उसके साथ साथ में जिनकी ज़मीन चले गई है, जिससे उनकी परिवार की रोटी रोजी होती थी वो भी तबाह हो गई है, उस पर क्या सोचा है, ऐसी चीज़ों को लेकर के इस बार तो विधानसभा का सत्र होगा जिस पर हम अपनी बात कहेंगे। सर, भाजपा पहले भी, आपने भी आरोप लगाए थे कि जो राहत राशि बांटी जा रही है उसमें भी बंदर बांट की जा रही है, से वो तौर तरीका उनका, उस पर चर्चा होगी और चर्चा करने के बाद बात करेंगे, और वो उचित नहीं है। ये राहत उन प्रभावित परिवारों के लिए, प्रभावित लोगों के लिए है, ना कि कुछ लोगों के लिए, विशेष सत्ता पक्ष के दल के कुछ लोगों को, लोग विशेष के लिए नहीं है ये। और इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि वितरण का तरीका कतई ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत जगह से बहुत सारी शिकायतें हमको प्राप्त हो रही हैं।